युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। तीनों ने इसी वर्ष 10वीं की परीक्षा दी थी। वहीं डूबने की सूचना पाकर गीडा व चिलोताल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। डूबे तीनों युवकों की पहचान दिव्यांशु सिंह पुत्र राजनारायण पिपरा नंबर 2 के रहने वाले 16 साल कद, आर्यन शर्मा पुत्र विनय शर्मा और शहबाजगंज वार्ड 5 के रहने वाले 15 वर्षीय शिवम पासवान पुत्र जयनाथ पासवान के रूप में हुई है। इसमें शिवम पासवान अपने माता पिता की अकेली संतान था। 4 दिन से तीनों दोस्त अकेले नदी में नहाने जा रहे थे। शुक्रवार को पीपा पुल पर स्कूटी खड़ा करके नहाना शुरू किया था कि एक दोस्त डूबने लगा। उसको बचाने के लिए दो दोस्त ने कोशिश की तो वह भी डूबने लगे। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग दौड़े लेकिन तीनों दोस्त डूब गए। संबंध में एसपी नॉर्थ ने बताया कि तीनों की शोरों का पंचनामा भरकर सौ परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने तीनों का देर शाम अंतिम संस्कार किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, ताल के अंतर्गत जो ये राप्ती नदी का ये पॉन्टून ब्रिज बना हुआ है, सूचना प्राप्त हुई है 3 किशोर थे जो कि डूब जाने से मृत्यु हो गई है। तत्काल सूचना पर पुलिस पहुंची थी और अन्य क्षेत्रीय नागरिकों की मदद से, गोताखोर की मदद से उनकी तलाश की गई। तीनों की डेड बॉडीज मिल गई हैं और तीनों डेड बॉडीज के बाद उनके परिजनों को सांत्वना देकर यहाँ से विदा किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों बच्चे निकटवर्ती गांव के रहने वाले। जिला कारागार गोरखपुर में 6 रोग के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संभावित रोगियों के डॉक्टरों की टीम के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही 42 बंदियों का डिजिटल एक्सरे एवं 14 बंदियों का स्पुटम टेस्ट कराया गया। बंदियों की जांच डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर रामेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रेडियोग्राफर श्याम शुक्ला, ओम प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, उप जेलर विजय राय, शासन के निर्देश पर मंडल में 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। जिसके संबंध में संभागीय खाद्य नियंत्रक अनुज मलिक ने बताया कि 1 मार्च से गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी गई है। गेहूं खरीद के लिए 40 केंद्र शुरू कर दिया गया है। इसलिए किसानों से अपील है कि गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करें, क्योंकि जो कटाई व छटाई का 20 रुपया काटा जाता था वह दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गेहूं की क्रय केंद्रों पर बिक्री करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक अनुज मलिक ने कहा, हम गेहूं की खरीदारी शुरू होनी है, इसमें क्या व्यवस्था है, कितने केंद्र बनाएंगे? इस बार शासन ने 1 मार्च से प्रदेश में गेहूँ खरीद आरम्भ की गई है। पिछले साल से 125 रुपये न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाया भी गया है और अभी गोरखपुर मंडल में 540 गेहूं खरीद केंद्र हम लोगों ने स्टार्ट कर लिए हैं। किसानों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार सरकार ने जो 20 रुपये कटाई ये सफाई छनाई का काटा जाता था, इस वर्ष से वो दिया जाएगा किसानों को। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है अपना पंजीकरण कराएं और साथ में इस बार बटाईदार के माध्यम से भी खरीद शासन करवा रहा है, तो जो भी बटाईदार हैं वो भी अपना पंजीयन कराकर धान गेहूं खरीद में प्रतिभाग करें। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी लोकसभा चुनाव पर कहा कि लोकसभा को देखते हुए लगातार थानों पर व अधिकारियों के द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। आज भी गूगल मीट के माध्यम से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव को सकुशल सम्पन्न करवाया जाए। जो फोर्स बाहर से आई है उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि संख्या बढ़ाने के लिए किसी निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही न की जाए। जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ ही कार्यवाही की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लगातार थानों पर और अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। आज भी मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारी और गश्त ऑफिसर्स के साथ एक गूगल मीट करके अब तक की गई कार्रवाइयाँ और अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसमें जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होनी हैं, कैसे चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाए, जो फोर्सेज हमारे यहाँ बाहर से आनी है, चाहे वो CAPF है, PAC है, जिला पुलिस है, होमगार्ड्स और इत्यादि जो भी फोर्स आनी है, उनको कहाँ पर ठहराया जाना है, उनकी व्यवस्थाएँ समय से पूर्ण हो जाएँ। इसके साथ साथ जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होनी हैं वो समय से पूर्ण हो जाएँ। निरोधात्मक कार्रवाई केवल उसी व्यक्ति के खिलाफ हो जिससे आशंका है। इसमें ये ध्यान रखने के लिए बोला गया है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ या किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कि जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। केवल संख्या बढ़ाने के लिए निरोधात्मक कार्रवाइयाँ ना की जाएँ, एक्चुअल व्यक्तियों को चिन्हित करके ही किया जाए। इसी के साथ साथ जो हमारा त्रिनेत्र का वेरिफिकेशन का अभियान चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई है। संडे तक का समय सभी थाना प्रभारियों को इन सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए दिया गया है और शांतिपूर्वक ढंग से पूरे चुनाव को संपन्न कराने के लिए। देश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है।
पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वहीं आदर्श आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने कमर कस लिया। जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर को हटाया। वहीं इस संबंध में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि देश में आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, जिसको देखते हुए जनपद में राजनीतिक दलों के बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि जो भी बैनर व पोस्टर चुनाव को प्रभावित कर सकता है, वह सभी बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर सभी बैनर व पोस्टर को हटा दिया जाएगा। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने कहा कि देश भर में दोपहर 3 बजे से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों को चुनाव के नियमों से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दल के बैनर व पोस्टर को हटाया जा रहा है। पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अलर्ट मूड पर है। लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए प्रतिदिन फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने कहा, एमसीसी जो है इन्फोर्स हो गई है और उसी इन्फोर्समेंट के तहत जो सर्वप्रथम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जानी होती है कि सरकारी कार्यालयों से जो भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पोस्टर हैं उन्हें हटाने के लिए उसके मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कार्रवाई कहाँ कहाँ की गई है और कब तक चलेगी? ये कार्रवाई हम लोगों ने अभी पहले कल से स्टार्ट किया है और मतलब है कि आज सभी सरकारी कार्यालय और मेजर स्थानों पे देख लेंगे और ये अगले 3 दिन तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्या प्राइवेट स्थानों पर लगे झंडा बैनर या किसी तरह की जानकारी? हाँ, प्राइवेट स्थानों के लिए भी लास्ट के मतलब है कि 48 घंटे से 72 घंटे का जो समय रहता है उसमें प्राइवेट स्थानों पे भी जो झंडा बैनर लगे हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। तो उसके मद्देनजर 72 घंटे में पूरे मतलब एमसीसी जो ये है, शुरुआती एमसीसी है, उनको हम इन्फोर्स करा लेंगे।